साई तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साई प्रभो। नमस्कार, साई ध्यान। साई वाणी को प्रारंभ किया, प्रारंभ करो और जारी रखो। इस विचारों को आत्मसात किया और मेरे प्रिय आत्मन, हजारों करोड़ों लोग आज इस विषय में जुड़ गए। सब लोग साई वाणी सुन रहे, साई वाणी कर रहे, साई ध्यान को समझने की बहुत उनको जिज्ञासा है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम कुछ विकारों को जीतकर साई ध्यान की तरफ बढ़ रहे हैं और साई ध्यान अपने जीवन में क्रांति करने के लिए और अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उस कहानी से शुरुआत करना पसंद करूंगा। एक बार एक जमींदार और एक छोटे से किसान की ये कहानी है और ये अपने जीवन से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सबको कहना चाहता हूँ कि ध्यान की इस विधि को आप ठीक से समझो और अपने जीवन में बदलाव लाओ। बहुत सारी किताबें तो मैंने इसके लिए लिखी है और किताबें आपको सबको लेना भी है, पढ़ना भी है, मेरे शिविरों में आना भी है और ध्यान करके हमारे जीवन में बदलाव भी लाना है। साई ध्यान ही सब कुछ है और साई ध्यान के माध्यम से जीवन में क्रांति लाना, उसमें कोई दोहरा नहीं, कोई समस्या नहीं। कोई समस्या अगर है भी तो उसको सुलझने की और उसको दूर करने की शक्ति साई ध्यान में है। और साई ध्यान करने जाओगे तो अपने जीवन में बदलाव लाओगे। वो किसान अपने खेती में काम करता है और खेती में काम करते करते उसको एक पत्थर मिलता है, लेकिन वो पत्थर थोड़ा अलग होता है। वो चमकीला पत्थर देख के वो बहुत खुश हो जाता है। अपने घर वो शाम को पत्थर लेके आता है तो आते आते रास्ते से कोई बता देता है कि किसान को कोई पत्थर मिला है, बहुत अलग पत्थर है। गाँव के जमींदार के पास ये खबर चली जाती है। जमींदार शाम को उसको मिलने आता है और कहता है, मैं ये पत्थर लेना चाहता हूँ। जमींदार सोचता है कि ये पत्थर, ये किसान को इतना क्या महत्व है उसका, उसको क्या पता चलेगा। तो उसको कहता है कि मैं ये 10 रुपए में लेना चाहता हूँ। किसान सोचता है कि जमींदार इतना जल्दी आ गया और पत्थर में तो कुछ ना कुछ होगा, इससे वो कहता है कि मैं शाम तक आपको बता देता हूँ। फिर भी जमींदार जाते समय बोलता है, देख आखिरी मैं ये पत्थर 100 रुपए तक ले सकता हूँ, तू शाम तक बता दे, मैं कल शाम तक आ जाऊँगा। एक दिन की तुझे सोचने के लिए मैं समय देता हूँ। कल शाम को जमींदार उसके घर, किसान के घर, झोपड़े में, गरीब झोपड़े में रहता है, उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है कि देख मैं 100 रुपए में लेने के लिए तैयार हूँ, ये 100 रुपए में लाया हूँ, तेरा अभी तक कुछ फैसला हुआ क्या? नहीं हुआ। किसान कहता है, मेरा फैसला हुआ है, लेकिन आप थोड़ा सा लेट हुए, मैं अभी अभी उस पत्थर को 200 रुपए में बेच दिया हूँ। तो जमींदार गुस्से से लाल पीला हो जाता है और उसको कहता है, पागल, वो पत्थर नहीं था, वो बहुत मौल्यवान हीरा था, 1000 रुपए की उसकी कीमत थी, तूने तो सिर्फ 200 रुपए में बेच दिया। और उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है। तब वो किसान शांति से हंसता है, बोलता है, आप तो इतने समझदार हैं, हालांकि मैंने वो पत्थर बेचा नहीं किसी को, लेकिन मैं इस पत्थर की असली कीमत जानना चाहता हूं। और अब मुझे अभी पता चली कि इसकी 1000 रुपए की कीमत है। उसी प्रकार ध्यान की कीमत अरबों खरबों की है, आपको उसका महत्व नहीं है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि साई ध्यान क्या है। और साई ध्यान करना है तो आपको सबसे पहले क्रोध को हटाना पड़ेगा। मैंने बहुत पहले कहा था कि मैं हाईकोर्ट में, मुंबई और दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट में और अहमदाबाद में, तमिलनाडु में, अलग अलग कोर्ट में जाके हाईकोर्ट से रिलेटेड बहुत सारे काम हमारे होते हैं। मेरी खुद की लॉ फर्म भी है। मैं लोगों को सेवा देना चाहता हूं और मैं कर्म को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में पैसा कमाने के लिए अलग मार्ग है,
ये साई ध्यान, साई क्रिया और साई वाणी का मतलब है आपके जीवन में बदलाव लाना, और यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, आपके जीवन में क्रांति लाना। जितने भी हाई कोर्ट्स में बड़े बड़े मैटर्स है, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, बड़े बड़े केसेस है, वो सिर्फ तीन चीजों से, अहंकार, क्रोध और तीसरा महत्वपूर्ण है मतलब ग्रीड, लालच, और उसके साथ साथ एक दूसरे के साथ तुलना करना। खत्म करो भाई जान, सबको मैं ऐलान करता हूं आज, भाई और बहनों खत्म करो ये बात। माइकल एंजेलो ने अपने बुक्स में लिखा है कि जब उसको क्रोध आता था तो वो मूर्तियां बनाने का काम करता था, एक एक दो दो घंटा काम करता था और उसका क्रोध पूरा निकल जाता था, बाद में देखता था कि उसमें अच्छी मूर्ति बन गई। क्रोध को अपने अच्छे शक्ति में परिवर्तित करो। जब भी आपको क्रोध आए, मुट्ठी बांधो जोर से, जितना जोर से बांध सकते हो उतना जाओ और गहरी सांस ले लो, क्रोध निकल जाएगा। हजारों करोड़ों लोग खून करते सिर्फ क्रोध में, क्षणिक क्रोध के लिए पूरा जीवन बर्बाद करते हो आप, इतनी मामूली है आपकी जिंदगी। अरे जिस आदमी को कहा जाता है ना कि तेरे पास एक साल है, सिर्फ उसको पूछो एक एक मिनट का महत्व क्या है, हम कभी सोचते ही नहीं है। मैंने पहले दिन कहा था, इस व्यासपीठ से आस्था भजन और आस्था के माध्यम से मैं जो भी आपके साथ साझा करूंगा, साईवानी के साथ जो भी शिविरों में कहूंगा, सिर्फ ध्यान के लिए करूंगा। और ध्यान का महत्व है, मुझे समझ में आया है, आपको भी आना चाहिए, यही मेरे जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण मनीषा है, यही मेरी इच्छा है। मैं चाहता हूं कि क्रोध आपको जब आएगा तो उसको दबाओ मत, उसको परिवर्तित करो, आपको हल्का लगेगा। आपके जीवन में ध्यान करने के लिए आपकी जमीन, विचारों की जमीन पक्की होनी चाहिए, और इसलिए मैं साई ध्यान आज आपसे करना चाहता हूं। सभी संभावना को साकार करने की क्षमता है, सभी अपनी सभी संभावनाओं, एक बार एक बीज, दो बीज होते भाई भाई, सगे भाई, एक बीज अच्छी तरह से जमीन में बोया जाता है, उसका छोटा सा पौधा बनता है, पौधे को भी फूल आते हैं, फल आते हैं, और एक बीज वैसे ही सर जाता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता, कहीं भी नहीं पहुंचता। वो पौधे में, वो बीज में पौधा बनने की, फूल फल बनाने की क्षमता थी, लेकिन वो बन नहीं पाया क्योंकि वो बोया नहीं गया। ध्यान की शक्ति को कुछ कुछ लोग जन्म लेते हैं और मूर्ति तक पहुंचते हैं, लेकिन कभी ध्यान नहीं करते, उनका बीज बीज ही रह जाता है, कभी उसको फूल पौधे नहीं आते। इसीलिए तो मैंने कहा है, बहुत सारे लोग मैंने देखे बहुत पीड़ित है। बुद्ध ने कब क्रांति की? गौतम बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी कहानी है, शांति से आप समझ लेना। गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे, और जब गुजर रहे थे तो उनको कुछ लोगों ने फूल भेंट दिए, उपहार दिए। उन्होंने नम्रता के साथ उसको कहा कि आप आपके पास रखिए, मैं बहुत खुश हूँ। आगे चले जाते, कुछ लोगों को गुस्सा आता है तो वो उनको गालियां देना करते, पत्थर मारने की कोशिश करते। गौतम बुद्ध कहते, आप जो मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं वो तो उचित नहीं है, मैं इसके ऊपर सोचूंगा, अगर वो जरूरत में गलत हूं तो मैं ये गालियां मेरे पास लूंगा, नहीं तो आपके ही पास रखिए। तो वो लोग कहते, हम इतना आपको गुस्सा दिला रहे हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आपने तो तुरंत हमारे ऊपर गुस्सा रिएक्ट करना चाहिए, हमारे को प्रतिसाद देना चाहिए। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, आप जिसको गालियां दे रहे हो मैं हूं ही नहीं, तो मैं क्यों ले लू? आपके गांव आने से पहले मैं दूसरे गांव से होके आया, तो वहां के लोगों ने मुझे फूल और उपहार दिए, मैंने उनको भी नम्रता के साथ कहा आपके पास रखो, तो उन्हीं के पास है। कहना इतना ही है, कभी भी जिंदगी में गुस्सा आएगा ना, 24 घंटा उसके ऊपर रिएक्ट मत होना। भाई और बहनों, विश्वास देना चाहता हूं, ये ध्यान की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि ध्यान को समझो। ये वो अवस्था है जब हम पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति हमें प्राप्त होगी। विश्व शक्ति प्राणमय शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है, शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय कहलाता है। प्राणमय शरीर में 72,000 से ज्यादा रंग रहित नाड़ियां या शक्ति की नलियां होती हैं, जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। शक्ति नलियां सिर के भाग से शुरू होती हैं, ये भाग
ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ये नलियां सारे शरीर में पेड़ की जड़ों और डालियों की तरह फैली हुई हैं। प्राणमय शरीर हमारे शरीर का विशेष आधार है। प्राणमय शरीर हमारे कार्य, यहां तक कि हमारे अस्तित्व का स्रोत है। प्राणमय शरीर को गहरी नींद में या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी सारी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं। इन्हीं सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है। मैं ध्यान सिखाने लगा हूं अभी, और साई ध्यान ही अभी जिंदगी की शुरुआत है, क्योंकि मैंने साई वाणी को प्रारंभ किया और 3 जुलाई बराबर 2 महीने के बाद हम साई ध्यान को प्रारंभ कर रहे हैं। यहां बारामती के नजदीक देवलगांव गारा में जो हमने साई बाबा का ये बहुत बड़ा साई आंगन बनाया, उसका मतलब ये है कि आपके जीवन में आप आए और हमसे जुड़े। इसलिए मैंने कहा वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए, कुछ था जो बिन बाटे ही बट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। अंधेरा झटना चाहिए, अपने जीवन का अंधेरा है काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, यही तो अंधेरा है। अभी कार्य को शुरू करना है, जब तक हल्का नहीं बनोगे ना कार्य कुछ नहीं होगा, प्रसन्न कभी नहीं रहोगे। देखो 2 नंबर करने वाले, खून खराबा करने वाले, दूसरों को नीचा दिखा के खुद को बड़ा करने वाले, बहुत सारे लोग तो अपनी पूरी जिंदगी भी दूसरे के साथ कंपैरिजन करने में चली जाती है, वो कैसा है, ये कैसा है, वो कितना बड़ा है, मैं कितना छोटा हूं। अरे तू भी है ना, तू भी तो, तेरा भी अस्तित्व है। तू तेरा समय दूसरे के लिए क्यों व्यर्थ कर रहा है? तू तेरे समय के लिए खुद के ऊपर ध्यान दे तो आगे जाएगा। पता है, मैं आपको एक छोटा सा निजी राय बताता हूं जीवन में सक्सेस होने का। जो करना चाहते हो ना उसको हर दिन थोड़ा थोड़ा करो, एक दिन आप पहुंच जाओगे। लेकिन आप क्या करते हो पता है, एक दिन बहुत करते हो, दूसरे 10 दिन सो जाते हो। मैं भी आपके साथ इतनी बार अभी साई वाणी से लगातार 2.5 महीना हो गया जुड़ा हूं, मुझे भी कभी 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 थकान जैसी महसूस होती है, लेकिन मैं उस समय एक ही चीज याद करता हूं कि मेरे लोग मेरा इंतजार करते होंगे साई वाणी सुनने के लिए, तो मेरे को थकने से नहीं चलेगा। ज्ञान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान को बहुत कंसिस्टेंसी के साथ, सातत्य के साथ जोड़ के रखना, ये उससे ज्यादा अच्छी बात है। जानो खुद को, ये किताब मैंने लिखी है। किसी दूसरों को जानने में समय मत लगाओ, आप कभी नहीं जान पाओगे, लेकिन खुद को जानोगे ना कहीं पहुंच जाओगे। कितने सारे लोग मैं देखता हूं हमेशा कंपैरिजन करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करने से आपको दुख होगा। लेकिन आपने देखा बगीचे में, कभी जम्मू कश्मीर में मैं कुछ दिन पहले गया था और कश्मीर की एक बाग मैंने देखी, वहां हजारों फूल फूले थे, हर एक फूल अलग था, उसका सुगंध अलग था, लेकिन कोई फूल किसी फूल के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा था। जैसे उसको कुछ कुछ फूल का तो मुझे पता चला कि सिर्फ 1 घंटे के लिए फूलते, बाकी मुरझा चले जाते। 1 घंटा 60 मिनट उनका जीवन है, लेकिन कितनी प्रसन्नता उस फूल में। हमें तो 100 साल मिलते हैं, हम प्रसन्न नहीं रहते कितनी। आप देखो, आज आप कंपैरिजन करना छोड़ दो, आधे शाम तक तो खुश हो जाओगे आप, इतना खुश हो जाओगे कि आपको हल्का महसूस होगा। सच कह रहा हूं मैं, साई ध्यान करना है ना अभी, उसके पहले काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार और किसी के साथ कंपैरिजन, जेलसी छोड़ना है सब। मेरा कोई भी साई भक्त, मेरा कोई भी साई ध्यान करने वाला आज के बाद प्रसन्न इंसान होगा। दूसरों की मूर्खता के कारण अपने शरीर को तकलीफ मत देना, दूसरों के अहंकार और द्वेष के कारण अपने खुद को तकलीफ मत देना। आप खुद खुश रहना चाहते हो ना, सिर्फ एक चीज करना, मेरी बात को आप ठीक से गौर से समझ लेना। साई ध्यान का प्रारंभ करना है और आपको पूरी तरह से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना पहले करनी है, ध्यान के समय प्रार्थना भी नहीं करनी, सिर्फ शांत बैठना है। पहले आपको 7 दिन सिर्फ सांस पे ध्यान देने हैं, और मैं ये कोर्स आपसे करवाने वाला, और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अभी साई
वाणी साई ध्यान के टीचर्स को अपॉइंट करने का काम कर रही वॉलंटरी बेस पे। वो लोग आएंगे, उनको पूरी तरह से पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के बाद वो अपने अपने गांव में, अपने अपने कुनबे में, अपने अपने जिले में, अपने अपने तालुका में, अपने अपने परिवार में, परिसर में वो साई वाणी सिखाए, साई ध्यान सिखाए। और मेरी सबसे विनती है, बहुत बड़ी विनती है, ये भारत में 30 राज्य है और 29 राज्य में अभी अभी जम्मू कश्मीर को भी राज्य का दर्जा मिला है, तो 30 राज्य है और अपने 6 यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। इन सब मिला के हर एक राज्य में 35-40 जिले हैं, तो मेरे ख्याल से 750 से लेके 1000 तक के जिले अपने भारत देश में हैं। हर जिले में 15-20 कभी कभी 22-25 तक तालुकास प्लेसेस है, उसको हम तालुका कहते हैं, तहसील, और हर तहसील में 200-250 गांव है। मतलब इस देश में कम से कम 7.5-8 लाख विलेजेस है। भाई और बहनों, हर गांव में, हर तालुका में, हर तहसील में, हर जिले में, हर शहर में, हर राज्य में मुझे साई वाणी के, साई ध्यान के योग शिक्षक, ध्यान के शिक्षक चाहिए। और वो शिक्षक आए, हमसे जुड़े, संस्कृत के साथ, हिंदी के साथ, अंग्रेजी के साथ, अपनी मातृभाषा के साथ जुड़े और साई ध्यान करे। साई बाबा ने कहा है, सबका मालिक एक, श्रद्धा सबूरी, और उसके साथ प्रारंभ करो और जारी रखो। इस योग शिक्षक की निर्मिति होगी 3 जुलाई से। मैं योग शिक्षक के लिए प्रशिक्षित करने के लिए मेरे पास अभी 100 लोग तैयार है और वही 100 मेरे बांधव दिन रात मेहनत करने के रहे साई वाणी के लिए। सब कुछ, सब लोग अपना अपना काम करके साई ध्यान कर रहे और अपने जीवन में बदलाव के साथ दूसरों का भी जिंदगी बदल रहे हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं, बाबा ने अपने निजी जीवन में बहुत दुख सहा है। जब भी उनको समस्या आती थी, वो लोगों के पास जाते थे, अपनी समस्या, सबसे ज्यादा आबादी, सबसे ज्यादा ऊर्जा है देश की, ये बुक्स मैंने लिखा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। यस, मैं आपको सिखा सकता हूं जिंदगी में क्या करना चाहिए। मुझे ज्ञान मिला है, बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया है आप सबके लिए, मेरे अकेले के लिए नहीं। जो मैंने पाया है मैं बांटना चाहता हूं, खुशी से बांटना चाहता हूं। सिर्फ और सिर्फ जीवन बदलना, यही मेरी क्रांति है। ना मुझे आपसे कुछ लेना है, ना मुझे कुछ देना है, मुझे सिर्फ आपके जीवन में क्रांति करनी है और बदलना है। मुझे व्यवहार करने वाले आपको करोड़ों मिलेंगे भाई और बहनों, बट आपका ये भाई एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहब करते आपके लिए 24 घंटा हाजिर है, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलना भी मेरा फर्ज है। मुझे पूरे देश में कम से कम 10,000 टीचरों की फौज तैयार करनी है, जो टीचर कल के भारत को बनाने का। पूरा थोड़ी ना होता है।